नमस्कार दोस्तों। दोस्तों यदि आपने राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था और आप इंतजार कर रहे थे एग्जाम डेट का, तो दोस्तों एग्जाम को लेकर आपके लिए बहुत अच्छी खुशी खबर निकल के आ रही है, बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। जो 2017-18 से आप इंतजार कर रहे थे, यूं मान लेना अब वो आपका इंतजार खत्म होने वाला है। ऑफिशियल न्यूज लेकर आया हूं दोस्तों, वो सब कुछ आपके सामने रखने वाला हूं। तो आपका काम है वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, एलडीसी की बात नहीं कर रहा, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, जिसकी भर्ती है 2017-18 में आई थी, लेकिन अभी तक उसकी एग्जाम नहीं लगी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी कुछ ही दिन पहले एक दोस्तों मीटिंग हुई है और मीटिंग में दोस्तों यह निर्णय लिया गया है कि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म आए, किसमें हाईकोर्ट ग्रुप डी में लगभग दोस्तों 24 से 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो यह एग्जाम है दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट नहीं लेगा। तो दोस्तों यह एग्जाम फिर कौन लेगा? इस एग्जाम को कोई एजेंसी लेगी, या तो दोस्तों आरपीएससी लेगी या फिर आरएसएमएसएस भी लेगा। अब आरपीएससी दोस्तों क्या है, बड़े लेवल के एग्जाम लेती है, तो ये एग्जाम में दोस्तों कौन कंडक्ट करवाएगी? आरएसएमएसएस भी करवाएगी। तो यहां पर पेपर का लेवल है दोस्तों थोड़ा अच्छा भी होने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट यदि पेपर लेता तो थोड़ा नॉर्मल होता, लेकिन अब दोस्तों कौन लेने वाला है? आरएसएमएसएस भी आपका एग्जाम है, वो लेने वाली है। ये दोस्तों मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि आखिर इतने ज्यादा फॉर्म आए हैं तो हाईकोर्ट इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा सकता, तो आरएसएमएसएस भी इस एग्जाम को लेने वाला है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल के आ रहा है, तो फिर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका एग्जाम है, ये एग्जाम आपको दोस्तों आपको जो तैयारी करनी है वो अक्टूबर मान के करनी है। कोशिश दोस्तों नजर आ रही है कि अक्टूबर तक आपका एग्जाम वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, तो अपनी तैयारी है वो जारी रखना। आपके लिए दोस्तों कहीं ना कहीं बड़ी खबर है दोस्तों, जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे इसकी एग्जाम कब लगेगी, आखिर कब लगेगी, तो उसके बारे में न्यूज आना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपकी परीक्षा दोस्तों कोई एजेंसी लेगी, अब वो एजेंसी कौन सी होती है दोस्तों ये नोटिफिकेशन आने पर ही पता चल जाएगा, लेकिन अब आपकी एग्जाम है वो जल्दी लगने वाली है। जल्दी का मतलब ये है अक्टूबर तक आपकी एग्जाम हो सकती है, तो तैयारी जारी रखना। पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अब की बार एजेंसी आपकी एग्जाम लेगी, हाईकोर्ट आपकी एग्जाम नहीं लेगी। तो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे और जो बोल रहे थे ना मेरे पास कमेंट करके आखिर ये एग्जाम कब लगेगी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ खबरें निकल के आ रही है। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो भी आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।